साथियों नमस्कार। सभी साथी चिंतित थे आज डेलीगेशन को लेके। मेरा फोन 1% पे था, इसलिए किसी भी साथी का फोन का रिप्लाई नहीं कर पाया, ना मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को अवगत करा पाया। साथियों आज हमारी वार्ता अखिल अरोड़ा जी से हुई। 5:30 बजे का टाइम मिला था, लेकिन 7 बजे वो मीटिंग से फ्री होके हमारे से मिले। और उसके बाद में अखिल अरोड़ा जी ने जाते ही सबसे पहले टेबल पे बैठाया और ये बोला कि आप लोगों का काम मैं स्टार्ट करता हूं। साथियों उन्होंने जितने भी अधिकारी थे उनको फोन किया और फोन करके ये बोला कि जो भी फोन पे वार्ता हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अधिकारी जो फोन पे मौजूद थे उनके हमारे सामने वार्ता हुई और उन्होंने ये बोला कि इन लोगों का सीएम साहब ने ये बोला कि इन लोगों ने कोरोना में बहुत अच्छी सेवाएं दी है। और जब कोरोना के अंदर जब कोई भी किसी से नहीं मिल रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस टाइम में इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान सरकार को सेवाएं दी है, तो क्यों ना इन लोगों का भला किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे को निर्देशित किया है कि इन लोगों का कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ना कुछ इनका बेहतरीन हो। तो मेरे को निर्देशित किया है, मेरे को फोन भी किया है मुख्यमंत्री साहब ने, तो मैं आपका भला करना चाहता हूं। और इन लोगों का कैसे भी भला हो, इसके लिए आप लोग कैसे भी करके इन लोगों का भला कीजिए। और जो फोन पे थे अधिकारी उनको बोला है कि कल की तारीख में आप सभी अधिकारी मेरे से आके मिले। और पृथ्वीराज जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं बोले छुट्टी पे चल रहे हैं, जैसे ही वो आए तुरंत चिकित्सा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, टोटल तमाम अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं और अपने जो नर्सिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तमाम अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द बैठक ली जाए और जितना जल्दी हो सके इन साथियों का भला करें। और उन्होंने ये तक भी बोला कि बोनस का प्रावधान इन साथियों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 3 साल कम से कम मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम 3 साल ऊपर करने वाले के साथियों को बोनस मिलता है। तो बोले इनको बोनस भी नहीं दे सकते हम, तो इनका इस तरह से भला किया जाए कि इन लोगों को एक परमानेंट के रास्ते पे ले जाया जा सके, ऐसा कोई रास्ता क्रिएट करे जिससे कि इन लोगों को एक परमानेंट के रास्ते पे ले जाया सके। तो उन्होंने अधिकारियों को आदेशित किया है कि जल्द से जल्द आप चिकित्सा विभाग की बैठक ले और जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाए और जल्द से जल्द कल की तारीख में मेरे से मिले और जल्द से जल्द पृथ्वीराज जी को आते एक चिकित्सा विभाग की पर्सनल स्पेशल सीएचसी की बैठक ले जिसमें इन साथियों का भला हो सके। फिर उसके बाद में फोन काटने के बाद में हमारे जो साथी थे जो डेलीगेशन मौजूद थे उनसे हमारी वार्ता हुई। तो उन्होंने बोला कि देखो कोई भी अगर परीक्षा होती है उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि जितने साथी बैठते हैं उन सभी का नंबर आए, परंतु मैं इतना प्रयास करूंगा जिस प्रकार ओपीएस और जिस प्रकार पटवारी और ये जो पंचायत सहायक लगे हुए थे उनको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास किया है, उसी प्रकार मैं आप सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम रोजगार मिले। उन्होंने साथियों ये नहीं बोला कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, परंतु उन्होंने ये कहा कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिले, मैं मेरे स्तर से प्रयास करूंगा और कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो आप हमें आके अवगत करवाएं, उसमें भी सुधार किया जाएगा, परंतु मेरे स्तर से प्रयास रहेगा कि सबसे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जितने साथियों को रोजगार मिले उतना मैं प्रयास करूंगा। फिर हमने ये भी बोला कि साहब सभी साथियों को रोजगार क्यों नहीं दे सकते, तो उन्होंने वो उस बात पे चिढ़ भी गए कि अगर आप इतना बहस क्यों कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि आप लोगों का भला करना है और मुझे भी पता है आप लोगों का भला करना है, अगर आप लोग अपना भला नहीं चाहते तो उन्होंने तुरंत ये बोला कि मैं मीटिंग कैंसिल करवा देता हूं। मैं जब आप लोगों के लिए सडन मीटिंग अरेंज करवा रहा हूं, सडन जितने भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी उनकी मीटिंग बैठा रहा हूं सिर्फ आप लोगों के भले के लिए, और आप अगर इसमें जिद बहस करते हो तो मैं मना कर देता हूं उन अधिकारियों को। फिर उन्होंने स्पष्ट ये बोला कि जितना मेरे से हो पाएगा, जितना आप लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा, जितना आपका भला कर पाऊंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। निश्चिंत नहीं, एक बार चिकित्सा विभाग की बैठक हो जाए और उसमें जो भी निर्णय होता है मैं मैक्सिमम लोगों को रोजगार देने की कोशिश करूंगा। उसमें ये भी बोला है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट क्रिएट करेंगे वो चिकित्सा विभाग के अंदर, जो राजस्थान डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होती है, जिस प्रकार साथियों हो सकता है कि जैसे एनएचएम 2016 में भर्ती आई थी उसके अंदर तो रिटर्न एग्जाम हुई थी, परंतु हो सकता है कि इनके द्वारा डायरेक्ट परसेंटेज बेस एग्जाम हो और परसेंटेज बेस भर्ती हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कोविड में सीएचए साथी लगे हुए थे सिर्फ उनको शामिल किया जाएगा। अब वो पोस्ट निर्धारित नहीं है कि वो 10,000 रुपया 12,000 रुपया 15,000 रुपया 20,000 रुपया या 25,000 रुपया साथियों, वो निर्भर करता है कि जो अब चिकित्सा विभाग की बैठक होगी
उस बैठक में निर्धारित किया जाएगा कि उस बैठक के अंदर कितने पोस्ट वो क्रिएट करते हैं और कितने साथियों को रोजगार देते हैं। तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार अखिल अरोड़ा जी ने आश्वासन दिया उस प्रकार लगता है कि बहुत जल्द अच्छा होगा, सिर्फ अपने को 10 से 15 दिन धैर्य बनाए रखना है। और जिन साथियों पे मुकदमे लगे हुए थे उन साथियों के लिए भी विशेष सूचना है। साथियों बहुत सारे साथी सुबह से मुझे फोन कर रहे थे कि अगर डेलीगेशन अगर कोई वार्ता हो, आशीष भाई के पास भी फोन आया थे कि अगर डेलीगेशन वार्ता हो तो उसमें हमारे मुकदमे की बात रखना। तो उन्होंने कहा है कि जिन साथियों के मुकदमे लगे हैं तो सरकार मुकदमे लगी है उनको तो रोजगार वैसे ही नहीं दे सकते, तो हम कभी नहीं चाहते कि जिनके मुकदमे लगे हैं उनको रोजगार नहीं मिले। हम तो रोजगार की बात कर रहे हैं तो मुकदमे लगे हैं तो मुकदमे तो हटवाएंगे ना। तो उन्होंने ये तक बोला है साथियों कि जो 32 प्लस 6 साथी है उनकी लिस्ट हमारे को प्रोवाइड करवाई, एक एप्लीकेशन लिखे जिनसे सबसे पहले इनके मुकदमे हटवाए और उसके बाद में जो हमारी भर्ती प्रोसेस है वो तो चली रही है, साथ में इनके मुकदमे भी दूर करेंगे और जो भर्ती प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम साथियों को रोजगार मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे साथियों। इसलिए निश्चिंत रहिए साथियों, धरना खत्म हुआ, मुख्यमंत्री जी से मिले, अधिकारियों से भी मिले, आज अखिल अरोड़ा जी से वार्ता हुई, इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि हम सब चीजें हार गए। मुझे पता है कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है उसी प्रकार अखिल अरोड़ा जी ने जो वादा किया है साथियों, ओपीएस जैसी सुविधाएं देना और भी जैसे 50 साइकिल के लिए करना, मैक्सिमम अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे साथियों। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और निश्चिंत रहिए साथियों, और बहुत जल्द जिन साथियों के मुकदमे लगे उनका कल या परसों के अंदर लिस्ट बना के और हमारे जो साथी हैं वो सारे अखिल अरोड़ा जी को पेश कर देंगे, उसके बाद मुकदमे जैसी तो सिचुएशन हट जाएगी और जो साथी चिंतित हैं जॉब को लेके पूरा प्रयास रहेगा। साथियों मैं तो ये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को रोजगार मिले, जितने भी साथी है हमारे संघर्षशील साथी हैं सबको रोजगार मिले, पूरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद साथियों।